गंगापुर सिटी से हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पे। और ये देखिए नई जो अनाज मंडी है इसके सामने यहाँ पर जाम लग चुका है। अवैध रूप से यहाँ पर जो ट्रॉलियाँ जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी होती है, अभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाले ने एक गाड़ी चालक के टक्कर मार दी और उसकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, इस प्रकार का इनका आरोप है। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए आधे टेढ़े ट्रैक्टर लगाने के कारण यहाँ पर रोज़ाना जाम लग जाता है और गंगापुर सिटी का जो प्रशासन है बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। सीधी लाइव तस्वीर में आपको उदय मोड़ नई अनाज मंडी के सामने से दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, सीधी लाइव तस्वीर है। और इन लाइव तस्वीरों को आप अधिक से अधिक शेयर करें और यहाँ का जो प्रशासन है वो भी ध्यान दे, ट्रैफिक पुलिस गंगापुर सिटी की। इस प्रकार यहाँ पर आए दिन रोज़ाना घटनाएँ होती रहती है। और ये भीड़भाड़ वाली जगह है गंगापुर सिटी से, सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल पे। और जी न्यूज़ पोर्टल पे सीधी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर। और सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से, ये देखिए यहाँ पर जाम की स्थिति बिल्कुल बनी हुई है। और यहाँ पे उल्टे सुलटे इन्होंने ट्रैक्टर लगा रखे, रोज़ाना का ये यहाँ पर इनका ये काम है। और जो गाड़ी वाला है उसकी भी गाड़ी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सीधी लाइव तस्वीर है गंगापुर सिटी पोर्टल पर, अधिक से अधिक हमारे इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए उदय मोड़ जो फल मंडी है, क्या क्या हो गया, भीड़ भाड़ कर रखी है यार, तो रोजाना करते थे तो क्या कहना चाहते हो उसको लेके जाओ, ले गया भाई साहब, भीड़ भाड़ कर रखी है, जाम कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे रोजाना जाम लग जाता है, जाम लगने के कारण यहाँ पे इनसे बात करेंगे जिनकी गाड़ी के टक्कर लगी है। भैया क्यों टक्कर लग गई थी गाड़ी के, क्या नाम है आपका, बताओ क्या बात हुई थी आपके साथ में। सर ये ट्रैक्टर वाला है, ये गाड़ी ओवरलोड चला रहा था, इसने मेरी गाड़ी पे दिखाओ, इसकी फोटो दिखाओ, ऐसे क्यों पकड़ रहे हो मोबाइल को, ये ओवरलोड गाड़ी चला रहा था, पीछे से ब्रेक नहीं लगने के कारण इसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, जिसके कारण मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और ये ट्रैक्टर को भगा के लेके जा रहा था, नंबर लगा दिया।